जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की और प्रथम पेपर की। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने जा रहा है, यूजीसी नेट का फिर से पेपर जून में हो रहा है, तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। एक तो हमें प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र दोनों पर कम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वास्तव में रिजल्ट लेना चाहते हो तो दोनों पर समय देना है, कम से कम 2-3 घंटा प्रथम पेपर को भी हर दिन देना जरूरी है। खास करके उन सारे बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, खासकर जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, उनको हमने पूरा प्रथम पेपर पढ़ा दिया है। अब वे हर टॉपिक के नोट्स को पहले पढ़िए, उसके बाद जो पिछले 10 साल में सवाल पूछे गए हैं उनको बनाइए। और भी कोई सेट आउट के पास है, चाहे किसी का भी सेट हो, उन सेट को उस टॉपिक से रिलेटेड 200-300 क्वेश्चन बना जाइए। इस तरह से प्रथम पेपर में 10 यूनिट है, हर यूनिट के नोट्स को पढ़िए, उससे रिलेटेड जो सवाल पूछे गए उनको पढ़िए और क्वेश्चन जरूर बनाइए, सेट जरूर बनाइए, जिससे आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। इसी तरह से जो हिंदी साहित्य में है, मैं इन सारे छात्रों को कहना चाहूँगा जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, खास करके मैं अपने बच्चों को कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, अब लगभग हिंदी साहित्य का सिलेबस भी पूर्ण होने वाला है, तो आप नोट्स पढ़िए प्लस उससे रिलेटेड 200-300 सवाल बनाते रहिए। जैसे आपने कहानी पढ़ा तो कहानी नोट्स पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, सब्जेक्टिव पढ़ लिए, उससे रिलेटेड 200-300 क्वेश्चन बना लिए। इसी तरह से हमने निबंध पढ़ा, उसमें भी 200-300 क्वेश्चन बना लिए। इसी तरह हमने आलोचना पढ़ी, इसी तरह हमने काव्य सेक्शन पढ़ा, हर सेक्शन से रिलेटेड 200-300 सवालों को, चाहे आपके पास जो भी सेट हो उसे बना कर जाइए, उनका आपको बहुत फायदा होगा और रिजल्ट जरूर होगा। और 10 ईयर को जरूर बनाए, उनको ना छोड़े, इससे आपका फायदा होगा कि एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा। धन्यवाद। जय हिंद।